आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मेथी का साग। आप मेथी का साग जब भी बनाएं, इसमें हमेशा पालक और सोए को मिक्स करके बनाएंगे तो मेथी का कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने मेथी को पहले ही धुल करके रख लिया था, पालक और सोए को भी, और आधे घंटे तक इनका पानी निकल जाने दिया। इसके बाद हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। इसे बिल्कुल बारीक काटना है हमें, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब हम साग बनाते हैं तो ये गुच्छे नहीं बनते हुए हैं, पकाते समय हमारा साग कट करके तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में बना हुआ साग बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लाजवाब होता है। उबालते समय हम इसमें नमक डाल देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही पानी निकाल देगा। यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं, इन्हें भी मैं छील करके साफ़ कर लेती हूँ और इनके बड़े बड़े हमें टुकड़े काट लेने हैं। इस तरीके से हम जब भी साग बनाते हैं तो साग को हमें पहले काट लेना है और उसके बाद उबालना है। हमें साग को जब भी धुलना है तो उसे हमें साबुत ही धुलना है। काट के धुलने से उसका सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा साग पक कर के कितना थोड़ा सा हो गया है। ये अभी और ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा सूखेगा, क्योंकि इसमें से पानी बाहर आता जा रहा है। हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी है। और साग में आप जब भी आलू डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आलू आपको बाद में डालना है। अगर आप साग के साथ में ही आलू को उबलने के लिए डाल देंगे तो आलू बिल्कुल मैश हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और साग के साथ मिक्स हो जाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल आखिर में, जब इसमें थोड़ा पानी रह जाए, तभी आपको साग में आलू डालना है। थोड़ी देर और पका लेते हैं ढक करके। हमारे साग का पानी अच्छे से सूख चुका है, अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। बहुत थोड़ा ही पानी रह गया है, इसमें हमारे आलू पक जाएंगे। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। अगर पानी आपको ज़्यादा लगता है तो इसको आप खोल करके पकाइए और फिर फ्लेम को हाई कर दीजिए और उसको चलाते रहिए लगातार, इससे पानी जल्दी सूख जाता है। ये देखिए हमारा साग उबल चुका है। अब हम इसके सड़कन की तैयारी कर देते हैं। इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। लोहे के बर्तन में बना हुआ साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन तो होता ही है, साथ में इसमें हमें आयरन फ्री में मिल जाता है अगर आप लोहे के बर्तन में साग बनाते हैं। इस तरीके से हमें सारा साग निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च लिया है 2 से 3, 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, थोड़ा सा हींग लिया है 1 चुटकी, आधा चम्मच मैंने लिया है जीरा। साग में आप जितना लहसुन डालें उतना ही अच्छा रहे, क्योंकि साग में लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालते हैं, अच्छे से जीरा चटक जाने देते हैं, तभी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग का। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़ा सा हरा मिर्च को भून जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। जो भी हम इसमें साबुत मसाले डालते हैं, मिर्च या लहसुन, इनको अच्छे से जब भून जाने देते हैं ना, उसके बाद ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे साग में। यहाँ पर मैंने हींग लिया है, थोड़ा सा हींग इसमें ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा सोंधापन आ जाता है साग में। अच्छे से इसे हम भुनने देते हैं जब तक कि ये अच्छे से लाल ना हो जाए, तब तक हमें इन्हें चलाते हुए भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम जो साग उबाल करके रखा है उसे भी इसमें डाल देना है और अच्छे से हमें इसे मिला देना है। जब आप साग को मसालों में मिलाएं, जो भी आपने लहसुन मिर्च वगैरह जो भी डाला है, तड़कन जो लगाया है, उसमें जब आप मिक्स करें ना, तो गैस को हाई फ्लेम पे रखें। इससे क्या होता है, साग का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा, बिल्कुल सोंधा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा साग बन करके तैयार होता है। ये देखिए हमारे साग कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी साग हमारा बन करके तैयार हुआ है। आप हमेशा साग में बाद में तड़का लगाएं तो इससे भी साग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारा गर्मा गर्म
मेथी पालक सोए का साग बनकर के तैयार है। आप इसे पराठे के साथ में, पूरी के साथ में खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।